तो आज का जो सेक्शन है वो टुडोंग पे है, एंड टुडोंग जो है वो उसका अगर थाई वर्ड है उसका पाली इक्विवेलेंट ढूंढा जाए तो दुतंगा वर्ड आता है। दुतंगा का मतलब हो सकता है एसेटिक प्रैक्टिसेस, और मैंने यहाँ पे एसेटिज्म को लिखा भी है कि जो विकिपीडिया पे जो एक बेसिक एसेटिज्म की डेफिनेशन आती है कि सेल्फ डिसिप्लिन या कुछ एब्सटनिज्म करें किसी भी तरह के स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में या रिलीजियस प्रैक्टिस में। तो यहाँ पे जो दुतंगा और टुडोंग की बात हो रही है वो इस रेफरेंस में बात हो रही है कि एक मॉन्क्स जो हैं वो पैदल निकल पड़ते हैं अपनी मोनेस्ट्री से नंगे पांव कंट्री साइड में, एंड ये कंट्री साइड में जनरली या तो जाएंगे या किसी अपनी मोनेस्ट्री से किसी पिलग्रिमेज स्थल पे जा रहे हैं या फिर कोई ऐसी स्थान ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे वो सेक्लूडेड तरीके से बिना किसी और लोगों के आसपास हुए बिना मेडिटेशन कर पाएँ और ध्यान कर पाएँ। एंड भगवान बुद्ध की शायद टीचिंग्स में भी ये चारी का वर्ड आता है, एंड लुआंगपो अजानचा के हिसाब से एक मॉन्ग के लिए ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है। इसको हम समझेंगे कि आगे इस प्रैक्टिस को किस तरीके से मॉन्ग करते हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। एंड एक चीज़ जो आई थिंक सबसे पहले इस टुडोंग प्रैक्टिस में निकल के आती है कि मॉन्ग जो है एक ऐसी जगह पे जाता है टुडोंग के थ्रू। जनरली वो जगह हो सकती है कि घने जंगल में अगर मॉन्ग चला जाता है तो, और वो घने जंगल में आसपास और कोई इंसान या ह्यूमन पॉपुलेशन से थोड़ा दूर हो जाता है तो उसको एक तरह का फिजिकल सॉलिट्यूड मिलता है। फिजिकल सॉलिट्यूड में एकदम अकेला हो जाता है, एंड उस फिजिकल सॉलिट्यूड से उसको मेंटल सेक्लूजन मिलता है, और मेंटल सेक्लूजन से एक तरह का मन में शांति आती है। सो वेरी ब्रीफली जो टुडोंग प्रैक्टिस है उसको इस तरीके से समझाया गया है कि किस तरीके से फिजिकल सॉलिट्यूड को पा के अपने मन को शांत करके आप एक काम स्थिति में पहुंच जाएं। एंड जो भी मॉन्ग को टुडोंग प्रैक्टिस पे जाना है उसके लिए जो दो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वह वाइज, ये एक्चुअली शेम होना चाहिए, वाइज शेम एंड वाइज फियर। आई थिंक ये शेम वर्ड यहाँ पे आया भी है। तो इसका रेफरेंस हमने पीछे के सेक्शन में भी पिछली बार दिया था कि एक मॉन्ग के लिए ये वाइज शेम और वाइज फियर, पाली में इसको हिरियन ओथप्पा के नाम से भी हम रेफर करते हैं। और कोई भी अगर वो मॉन्ग इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी टुडोंग की प्रैक्टिस करेगा तो उसका जो मन है वो एक तरह से ब्राइट रहेगा। एंड इस सेक्शन में जो सबसे पहली चीज़ निकल के आती है कि मॉन्ग को अपने साथ क्या लेके जाना चाहिए क्या नहीं लेके जाना चाहिए। अब टुडोंग प्रैक्टिस में अगर हम कह रहे हैं कि मॉन्ग मोस्टली खुद पैदल चलेंगे और अगर अपने साथ कुछ भारी चीज़ें लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका बोझा उठाना एक समय के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक जो बेसिक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जैसे वो कहते हैं कि अपने साथ साबुन ले जाने की ज़रूरत तो आपको पड़ सकती है, बट आपको हो सकता है कि आपके पास अगर एक बेसिक साबुन है और आपके पास एक टॉवल है या कुछ क्लॉथ है जिससे आप अपने आप को नहाने के बाद सुखा सकते हैं तो वो एक ज़रूरी चीज़ हो सकती है, बट टूथब्रश का कैरी करना शायद अनिवार्य नहीं है। अब टूथब्रश
को कैरी करना की जगह पे वो कहते हैं कि आप जो है पेड़ की लकड़ी है उससे अपना दांतों का ब्रश बना के अपने दांत साफ कर सकते हैं। एंड इसी तरह से जैसे बोला गया कि बेडिंग क्लोथ नहाने के बाद का कपड़ा या बेडिंग क्लोथ जिसमें आप नहाएंगे डिपर जिससे शायद आप अगर किसी नदी किनारे हैं तो शायद अपने ऊपर पानी डाल पाए। सो इस तरह से एक मिनिमल सेट ऑफ क्या चीज़ें हैं उनके बारे में ये सेक्शन में शुरुआत हुई। इसके बाद बात आती है कि मिड 1960s में टूडोंग प्रैक्टिस जो थी वो एक तरह से डिक्लाइन पर जा रही थी और एक तरह से बैड रेपुटेशन अर्न कर रही थी। उसका प्राइमरी रीज़न यही रहा होगा कि कुछ मॉन्क्स जो हैं वो करप्ट हो गए और उन्होंने टूडोंग प्रैक्टिस को एक तरह से डोनेशन पाने का तरीका बना लिया। एंड और टूडोंग प्रैक्टिस जो थी वो उसका एक तरह से पतन हुआ। एंड जो नेक्स्ट सेक्शन बात करें हम करेंगे टूडोंग प्रैक्टिस में आपको क्योंकि मॉन्क काफ़ी समय तक पैदल चलेगा तो उसको एक तरह से समझना पड़ेगा कि किस तरह से वो अपनी फिजिकल पेन चलते समय उसको अगर पाँव में दर्द हो रहा है या शरीर के कुछ और पार्ट्स में दर्द हो रहा है तो किस तरह से वो फिजिकल पेन के साथ डील कर सकता है। क्या उस पेनफुल कंडीशंस को पेनफुल फीलिंग्स जो उसको उस समय हो रही हैं टूडोंग प्रैक्टिस में क्या उसको माइंडफुलनेस के साथ क्या उसको विजडम के साथ वो देख सकता है। एंड इन सब के साथ में होते हुए पेनफुल फीलिंग्स और पेन के साथ होते हुए क्या वो भगवान बुद्ध की शिक्षा और धम्म को और शांति को ढूंढ सकता है। एंड ये असली मीनिंग होता है एक मॉन्क का कि कठिनाइयों के साथ चलते हुए कठिनाइयों के साथ थोड़े समय के लिए जीवन व्यापन करते हुए क्या वो भगवान बुद्ध की शिक्षा को और गहराई से समझ सकता है। एंड एक चीज़ जो और इस सेक्शन में आती है कि अगर अजानचा जब अपने साथ मॉन्क्स को लेके कई बार उबॉन प्रोविंस में के बॉर्डर पे जो लाओस है या कंबोडिया है उनमें अगर 2-3 महीने के लिए अगर अपने मॉन्क्स के साथ रहने जा रहे हैं तो जब भी अजानचा ने टीचिंग्स दी अपने डिसाइपल्स को तो उन्होंने जो जो उस समय के एक्सपीरियंस हो रहे हैं उनको टीचिंग का एक सोर्स बनाया। उस टीचिंग का सोर्स में अगर सड़क के किनारे अगर ह्यूमन एक्सक्रीटमेंट पड़ा हुआ है तो उसको उन्होंने एक रिफ्लेक्शन का तरीका बनाया अपनी मेडिटेशन के अंदर। अगर कहीं पे कुछ मशरूम्स उग रहे हैं या अगर एक गिरा हुआ सूखा पेड़ सड़ रहा है तो उससे क्या प्रेरणा मिल सकती है मेडिटेशन में उनको उन्होंने इस्तेमाल किया उस ड्यूरेशन में जब मॉन्क्स टूडोंग पे उनके साथ थे। एंड बाद में जब अजानचा ओल्ड हो गए और वो मॉन्क्स के साथ टूडोंग प्रैक्टिस पे नहीं जा पा रहे थे तब भी उन्होंने मॉन्क्स को एनकरेज करा कि वो 2-4 का ग्रुप बनाएं और क्रिमेशन फॉरेस्ट में जाके कुछ समय स्पेंड करें। तो क्रिमेशन फॉरेस्ट जो था वो होता है जनरली थाईलैंड में शायद गांव के पास ऐसी जगह होती होगी कि ऑब्वियसली जो लोग जिनकी डेथ होती है वो तो उनको तो वहाँ लेके जाते ही होंगे बट यहाँ पे जो स्पेसिफिक रेफरेंस आ रहा है अननेचुरल डेथ का कि शायद जो अननेचुरल डेथ जिनकी होती है और अगर वहाँ पे थाईलैंड के कल्चर में ऐसी भावना है कि उनकी कंफ्यूज और अनहैप्पी स्पिरिट जो होंगी वो शायद उस एरिया में उस क्रिमेशन फॉरेस्ट में होती होंगी या इन जनरल वहाँ की सोसाइटी में इस तरह का बिलीफ है। तो ऐसी जगहों पे जा एनकरेज करते थे कि मॉन्क्स जाएं और वहाँ जाके अपनी फियर को कन्फ्रंट कर पाएं और उससे ऊपर उठ पाएं।
एंड एक चीज़ जो और यहाँ पे निकल के आती है कि कोई भी मॉन्क को अगर वो टूडॉन प्रैक्टिस में अगर भेजते थे तो उसमें एक मॉन्क के लिए जो तीन रेफ्यूजीज हैं, भगवान बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण, उसका हमेशा महत्व रहा है और उसको अजान जाने हमेशा एम्फेसाइज करा है कि आप हर समय इन तीन चीज़ों का ज़रूर स्मरण रखें, एंड यही उस समय आपकी प्रैक्टिस में मदद करेगा और आपके अंदर जॉयफुलनेस, एनर्जेटिक और माइंडफुलनेस और विजडम को डेवलप करने में मदद करेगा। एंड इसके बाद बात आती है कि टूडोंग में मॉन्क्स को किस तरह से अपना बचाव करना है। एक चीज़ जो है कि ऐसा खाने का प्रयोग ना करें जिससे कि जंगली जानवर उस खाने की स्मेल को देख के अट्रैक्ट हो और आपके पास आए। जो और आगे बात निकल के आती है कि अगर मान लेते हैं कि एक कोई जंगली भैंसा या मान लेते हैं कि जंगली हाथी या और भी कोई वाइल्ड एनिमल आपके आसपास आ गया है और आपको वो आपसे खतरा महसूस कर रहा है और आपको अटैक करना चाहता है, तो किस तरीके से उस सिचुएशंस में से आप निकल के आए। तो इसमें काफ़ी तरह के छोटे छोटे एग्जांपल दिए गए हैं कि अगर तो वो एक वाइल्ड बुल है तो जनरली वो अपना गर्दन को नीचे करके अपने सींगों से यहाँ पे वार करना चाहेगा, बट अगर आप उसके जिस लेवल पे उसके सींग हैं उसके अगर नीचे आपने अपने शरीर को कर लिया तो वो और इतना नीचे शायद ना झुक पाए। तो एक तरीका वो हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप जिस डायरेक्शन से वो आ रहा है आप थोड़ा उस साइड से जगह से हट जाएं, या मॉन्ग जनरली अपने साथ एक बड़ी सी छतरी लेके चलते हैं, तो अगर आप उस जानवर के सामने अगर वो छतरी खोल दें तो उस खुलने से उस खुलने के एक्सपीरियंस से हो सकता है कि वो जानवर डर जाए। या अगर आपके पास आसपास कोई ऐसी डिच है जो थोड़ी सी खाई सी खाई वाली कोई सूखी खाई है तो आप उसमें चले जाएं, वो जानवर वो खाई में जाके आप पे अटैक नहीं कर पाएगा। एंड कुछ और उन्होंने बेसिक दिए कि अगर वो आपको अटैक करना चाहता है, अगर बुल आपको अटैक करना चाहता है तो वो अपना आंखें पहले मीचेगा तो जिससे आपको पता चलेगा कि वो अब आपकी तरफ आने वाला है, और जैसे ही वो आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है तो लास्ट मोमेंट पे आप थोड़ा सा साइड से हट जाएं। अब ऑब्वियसली इस चीज़ को करने के लिए एक मॉन्क में काफ़ी क्विक रिएक्शन चाहिए और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए कि वो ऐसा कर पाए। तो प्रायः उन्होंने इस तरह की टीचिंग्स मॉन्क्स को बताई कि किस तरह से अपने आप को बचा पाएँ और बिना उस जानवर को हानि दिए। जो अगली बात निकल के आती है वो ये है कि अगर आप मान लेते हैं कि किसी गुफा में रहने जा रहे हैं तो गुफा में एंटर करने से पहले किस तरह से आप प्रे कर सकते हैं कि उस गुफा में जो भी अगर कोई फायर्स एनिमल रहता है या कोई उस गुफा की कोई लोकल स्पिरिट है या कोई गार्डियन डेटी है तो उसको आप एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस गुफा में एंटर कर रहे हैं, आप एक दोस्त की तरह आ रहे हैं और आप का जो एम है वो सफरिंग को दूर करना है और आप किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो इस तरह का आप अगर अपने मन में विचार करें उस गुफा में जाने से पहले, तो उस गुफा में अगर जो जो भी चीज़ होगी वो आपको शायद हार्म ना करे। एंड एक चीज़ जो और बहुत ब्यूटीफुली निकल के आती है वो ये आती है कि पूरी टुडोंग प्रैक्टिस के अंदर एक मॉन्ग को अपनी मोरालिटी पे काफ़ी दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि वो अपनी मोरालिटी का साथ ना छोड़े, अपने प्रिसेप्ट्स का साथ ना छोड़े। और एक बड़ी अजीब चीज़ है कि आप जिस तरह से अजान चाह में बता रहे हैं कि
अगर एक मॉन्क अपने प्रिसेप्ट्स का पालन नहीं करता है, मोरालिटी से हटता है, तो उसका इफेक्ट उसके शरीर और मन पे होगा। किस तरीके से होगा, शायद उन्होंने बताया कि हो सकता है कि मॉन्क के पेट में दर्द होने लगे, या उसको रात को डरावने सपने आने लगे, या उसको लगे कि कोई एनिमल और स्पिरिट उसके उसको पास आ रही है उसको हार्म करने के लिए। बट इसका जो काउंटर है वो एकदम सिंपल बताया गया है कि अगर मॉन्क मोरालिटी से अपने व्यवहार कर रहा है और प्रिसेप्ट से व्यवहार कर रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी और उसको एक तरह का साहस मिलेगा। एंड एक जो अगला सेक्शन अभी आता है कि आप किन मॉन्क्स के साथ टुडोंग पे जाएं, या अगर आप टुडोंग में अगर आप एक जगह पे कई सारे मॉन्क्स के साथ रह रहे हैं, अब आपको ये सिचुएशन समझनी पड़ेगी कि ये एक कोई पर्टिकुलर मॉनेस्ट्री नहीं है जहाँ पे आपका टीचर भी आपको पास अवेलेबल है आपको गाइडेंस देने के लिए, और इन जनरल आपके पास एक बेसिक रिक्विजिट्स जो हैं, खाने के रिक्विजिट और बेसिक सा आपकी अपनी कुटी है जहाँ पे आप जाके रात को सो सकते हैं, बट टुडोंग प्रैक्टिस में ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है। सो देर इज़ ऑलवेज लिमिटेशन ऑफ व्हाट यू हैव, एंड इस लिमिटेड एनवायरनमेंट के अंदर हो सकता है कि फेलो मॉन्क्स के बीच में आपस में ना बने और कोई मॉन्क जो है अपनी पेशेंस लूज कर दे। तो इसमें प्राय यही बोला गया है कि अगर दो मॉन्क हैं तो ये आइडल है जो कि एक साथ रह रहे हैं। अगर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई सारे मॉन्क्स जो थे वो एक साथ गए, बट धीरे 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 करते एंड में एक या दो ही मॉन्क बच गए, बाकी मॉन्क जो थे वो आपस में उनकी बनी नहीं और वो वहाँ से चले गए। जो अगला सेक्शन है कि कहाँ पे रुकें, इसका आंसर शायद प्राय यही दिया गया है कि ऐसी जगह पे रुकें जो जहाँ पे सेक्लूजन हो ताकि आप वहाँ पे अपना मेडिटेशन कर पाएँ। और प्राय क्योंकि थाईलैंड के अंदर लोग जो है वो मॉन्क्स को बहुत रेवर्ड करते हैं, और अगर किसी गांव वालों को पता चलता है कि बगल के जंगल में कोई पर्टिकुलर मॉन्क आया, तो ऑब्वियसली वो उनसे मिलने आएंगे और विजिट करेंगे, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखने की बात पे बोला गया है। और कितने समय तक एक जगह पे रुके उसका भी उन्होंने एग्जांपल दिया कि मे बी 3 दिन बाद आपको तैयारी करनी चाहिए उस जगह से छोड़ के दूसरी दूसरी जगह पे जाने की, और एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 दिनों तक एक जगह पे रह सकते हैं। एंड जो एक बेसिक चीज़ यहाँ बोल रहे हैं कि टुडोंग वॉज टू वियर अवे द डिफाइलमेंट्स नॉट टू एक्यूमुलेट द न्यू वंस। तो टुडोंग के अंदर जो भी आप एक मॉन्ग जो है जो भी हार्डशिप्स के थ्रू गुजर रहा है, वो उसका जो असली जो फ़ायदा है वो यही है कि जो मॉन्ग्स के अंदर डिफाइलमेंट्स हैं वो उस हार्डशिप से वो ख़त्म हो, ना कि वो कुछ नई चीज़ें इकट्ठी नई डिफाइलमेंट्स इकट्ठी करने लगे। एंड ये भी कहा गया है कि जब आप किसी जगह पे रुक रहे हैं तो अपनी लाइक और डिसलाइक को पिक्चर में ना लाएं, क्योंकि अगर आप क्रेविंग और डिज़ायर्स लेके आएंगे कि ये जगह अच्छी है नहीं, ये जगह अच्छी नहीं है, ये जगह अच्छी नहीं है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, ये जगह अच्छी है तो मुझे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रुकना चाहिए, तो इससे बचने का बारे में बोला गया है कि प्राय अपने क्रेविंग्स और ग्रीड के ऊपर, डिज़ायर्स के ऊपर कंट्रोल कर पाएँ। और आप अगर टुडोंग पे जाएंगे तो आपको हो सकता है कि सुंदर नज़ारे भी देखने को मिले हैं, बट यहाँ पे जो एम्फेसिस दिया गया है वो यही है कि रायदन की बाहर की साइट सीइंग करके बाहर के नज़ारों को देख के प्रसन्न होने की बजाय अपने मन के अंदर कि क्या हो रहा है उस टोंग के अंदर उसकी साइट सीइंग करके उसको अपना एक टीचर बनाएं।
अब एक पॉइंट जो और यहाँ पे आता है कि टुडोंग के अंदर जो ले पीपल आएंगे आपसे मिलने, उनकी तरफ आपको क्या एटीट्यूड रखना है? जैसे कि हो सकता है कि कोई गांव के लोग आ जाएं और उनको लगे कि हो सकता है कि ये कोई सिद्ध मॉन्क हैं, और तो मैं इनसे कुछ पूछ के फ़ायदा ले लेता हूँ, मैं इनसे लॉटरी का नंबर पूछ लेता हूँ कि मुझे बताइए कि मैं कौन सी लॉटरी के नंबर पे अपना पैसा लगाऊं। तो इस तरह की उन्होंने बातें बताई कि एक मॉन्क को अगर ऐसी सिचुएशन में हो, अगर वो विलेजर या ले पर्सन इस तरह से पीछे पड़ रहा है, तो किस तरीके से आप 5 प्रिसेप्ट्स और 8 प्रिसेप्ट्स की टीचिंग देके उनको बता सकते हैं कि भगवान बुद्ध की वाणी क्या है और क्या उन ले पर्सन्स को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा ले पर्सन्स जो हैं, अगर कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं कि एब्जॉर्प्शन मेडिटेशंस क्या होती हैं, और एनलाइटनमेंट के बारे में अगर कुछ पूछते हैं, या कोई मॉन्क जो है वो कोई कोई विलेजर्स मॉन्क को अगर गुस्से से ट्रीट करता है, तो उस समय आपको किस तरह से बिहेव करना है, उस तरह की एग्जाम्पल्स की बात यहाँ पे करी गई है। एंड एक चीज़ जो और यहाँ पे निकल के आती है कि एक मॉन्ग को हमेशा ले पर्सन्स को हमेशा इंस्पायर करना चाहिए, और वो इंस्पायर जिस तरीके से एक मॉन्ग बिहेव कर रहा है, जिस तरीके का सेंस रेस्ट्रेंट एक मॉन्ग दे रहा है, जिस तरह की नम्र टीचिंग एक मॉन्ग दे रहा है, उससे एक मॉन्ग को ले पर्सन्स को इंस्पायर करना चाहिए। और इसी बात का रेफरेंस देते हुए अजान जैसारो, जिन्होंने किताब लिखी, वो वेनरेबल सारे पुत्र की कहानी का रेफरेंस दे रहे हैं कि एक बार जब वेनरेबल आसा जी एक आर्म्स राउंड से जा रहे थे, तो वेनरेबल सारी पुत्र उस समय भगवान बुद्ध के भिक्षु भगवान बुद्ध के शरण में नहीं आए थे। तो जब उन्होंने वेनरेबल आसा जी को देखा, वेनरेबल आसा जी जिस तरीके से उनके ड्रेस थी और जिस तरीके से वो चल रहे थे अपने बाकी संघ के मेंबर्स के साथ, उससे इम्प्रेस होके वेनरेबल सारिपुत्र उनके पास गए और उनसे पूछा कि आप कौन हैं, आपकी किस तरह की टीचिंग है, क्या आप मुझे अपनी टीचिंग के बारे में कुछ बताएंगे। तो इस तरह का एग्जाम्पल इस सेक्शन में आ रहा है कि किस तरह से हम इंस्पायर कर पाएँ। एंड जो ये सेक्शन है वो ख़त्म इस बात से हो रहा है कि किस तरीके से हम विजडम और सेल्फ रेस्ट्रेंट को यूज़ कर सकते हैं टुडोंग में, फॉर अपने भले के लिए और दूसरों के भले के लिए। एक छोटा सा सेक्शन है, मैं कुछ और मिनट्स लेके ये मेडिसिन का सेक्शन भी मैं कवर करना चाहता हूँ। मेडिसिन के सेक्शन में बेसिकली खास तौर से टुडोंग के अंदर अगर कोई मॉन्ग जा रहा है, तो उसको बेसिक हर्ब्स क्या हैं, किस तरीके से वो अगर बीमार पड़ रहा है तो अपने आप को इलाज कर पाए, उसकी एक तरह से बात करी गई है। और उसमें एक जो पर्टिकुलर एग्जांपल आता है, अजान चाह का ही आता है कि किस तरीके से वो अपने साथ कुछ टुडोंग पे जाते समय कुछ सैलमन लीव्स को एक बैम्बू में डाल के लेके जाते थे रोस्ट करके। और एग्जांपल आता है मलेरिया का कि अगर मलेरिया है तो उसमें आप नीम की लीव्स और बोरापेट का कोई पौधा वाइन होगा जिसको आप यूज़ करके आप उसको ट्रीट अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर एग्जांपल और आता है कि अगर आपको अगर स्नेक ने काट लिया, तो उसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया गया है कि स्नेक बाइट से कैसे डील करना है। उसका शायद एग्जांपल यही है कि एक ऐसी कड़वी चीज़ बनाई जाए और उस जिस इंसान को स्नेक बाइट काटा है उसको दी जाए, ताकि उस कड़वी चीज़ के टेस्ट से उसको शायद वॉमिटिंग आ जाए और वॉमिटिंग से पॉइजन बाहर निकल जाए। और उसका एक लाइव एग्जाम्पल भी ये दिया गया है कि अजान शाह की टीचिंग को सुन के एक आर्मी कर्नल ने भी उसको शायद यूज़ करा था, जब वो एक अपनी टोली के साथ शायद किसी घने जंगल में था और उसने वो कड़वी चीज़ बनाई जिसके अंदर शायद यूरिन और एक्सक्रीटमेंट की
मिक्सचर को लेके आई थिंक कुछ बनाया गया और फोर्सिफुली उस इंसान के गले से नीचे उतारा गया। और भगवान बुद्ध की टीचिंग में भी ये बात आती है कि मेडिसिन के लिए काउ यूरिन की बात शायद किसी किसी सूत्र में आती है। एक चीज़ और मैं आई थिंक यहाँ पे बोलना चाहता था कि विनाया के अंदर ये बोला गया है कि अगर आपको मॉन्ग जनरली पराया किसी टहनी को नहीं तोड़ सकते, बट अगर किसी मॉन्ग को स्नेक बाइट ने काटा है तो वो किसी वुड लिविंग वुड को काट के उसको बर्न करके उसकी कुछ ऐश बना उसका ऐश बना के यूरिन के साथ मिक्स कर सकता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर विनायक के अंदर एग्जांपल दिया गया है, तो आई थॉट कि मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूँ। और यहाँ पे एक रेफरेंस ये भी आता है, अजान जैसारो ये भी कहते हैं कि वो इंडिया का एग्जांपल लेके कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर भी यूरिन को फर्मेंट करके एज ए मेडिसिन की तरह पास्ट में भगवान बुद्ध के जीवन काल में यूज़ किया गया है। तो ऑब्वियसली ये थाई मॉन्क्स के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, तो उन्होंने इसलिए इंडिया का एग्जांपल लिया। और ये एक जो लास्ट पर्टिकुलर सेक्शन है मॉन्क्स, इसमें एक मॉन्क्स की मॉन्क कौन है, मॉन्क किस तरह का जीवन पालन करता है, तो उसके कुछ धम्मपद वर्स हैं। तो मैं ये वर्सेस एक बार आपके सामने रीड कर देता हूँ, जिससे कि ये पर्टिकुलर पूरा सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। फॉर द वाइज मॉन्क दीज आर द फर्स्ट थिंग्स टू कल्टिवेट, सेंस कंट्रोल, कंटेंटमेंट, ऑब्जर्वेंसेस ऑफ द पतिमो का रूल्स, एसोसिएशन विद कीन फ्रेंड्स हु लीड ए प्योर लाइफ। तो यहाँ पे धम्मपद का सेक्शन भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो उन धम्मपद सेक्शन को जाके आगे भी पढ़ सकते हैं। जस्ट एज द जैस्मिन शेड्स इट्स ओन विदर्ड फ्लावर, सो शुड यू ओ मॉन्क कास्ट ऑफ लस्ट एंड हेट्रेड। बाई योर सेल्फ सेंश्योर योर सेल्फ, बाई योर सेल्फ एग्जामिन योर सेल्फ, दस सेल्फ गार्डेड एंड माइंडफुल टू शेल यू मॉन्क लिव इन ब्लिस। ड्वेलिंग इन द धम्मा, डिलाइटिंग इन द धम्मा, इन्वेस्टिगेटिंग द धम्मा, रिमेम्बरिंग द धम्मा, दैट मॉन्क फॉल्स नॉट अवे फ्रॉम द धम्मा सबलाइम। ही हु ग्रैप्स एट नाइदर आई नॉर माइंड, नाइदर इन मेंटेलिटी नॉर मेटेरियलिटी, हु ग्रीव्स नॉट फॉर वट इज नॉट, सच ए वन इन डीड इज कॉल्ड ए मॉन्क। तो इसके साथ ये सेक्शन ख़त्म होता है, और एंड में हम कुछ मॉन्क्स की जो फोटो इस बुक में दी गई है, आई थिंक उसको एक बार हम देख लेते हैं, एंड देन आई विल क्लोज दिस सेशन। लेट मी जस्ट जूम आउट ए बिट सो दैट यू कैन सी दिस फोटो। एंड इस फोटो में यहाँ पे पीछे अजान चा बैठे हैं, एंड एक और फोटो है, उस फोटो में कुछ और मॉन्क्स हैं, एंड बाकी मॉन्क्स को तो मैं नहीं जानता, बट ये जो सबसे पीछे जो एक मॉन्क हैं जिनकी अजान अजान नज़रें समझ लो अजान सुमेधव है। ठीक गुड, तो इसी के साथ मैं ये सेशन आज समाप्त करता हूँ।